वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उस स्टॉक का नाम है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन। इस स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की प्राइस मूवमेंट आपको दिख सकती है एज पर टेक्निकल, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे देर न करते हुए इंडिगो के चार्ट में चलते हैं, जहाँ पर इसमें जो लेवल हम अभी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, उस लेवल का अगर आप सही ढंग से उपयोग कीजिएगा तो यहाँ से आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेलिंग साइड हो। तो इंडिगो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस लेवल से इसमें प्राइस रिजेक्शन लगातार चार दिनों से मिल के एक प्राइस रिजेक्शन मिल रही है, और उस प्राइस रिजेक्शन मिलने के उपरांत ऊपर में जो क्लोजिंग हो रही है, वहाँ पर इसके जो अच्छे सपोर्ट है वो आप ज़रूर नोट करके रखें क्विकली, जो कि है 1511.41501। ये इसके बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन है, जहाँ पर इसकी अगर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर के लेवल से गिरावट हो रही है, तो ये गिरावट जो है ये चार दिनों से लगातार इसी लेवल से में आके प्राइस अटक चुका है। ये वाली अब इस दिन का लो देखिए, 1516 का लो लगाया, उसके नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं 1503 का लो, उसके अगले दिन भी आप देख सकते हैं 1520 अराउंड वही एरिया का जो है लो लगा लगा के इसमें इंट्राडे बेसिस में भी एक रैली दिख रही है। और अभी लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो 1505.25 का लो लगा के इसकी जो क्लोजिंग हुई वो 1541.85 की हुई, अप्रोक्सीमेटली 35 रुपीज़ ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एज़ पर टेक्निकल इंडिगो में जो मेजर सपोर्ट जोन है वो जो हमने डिस्कस किए 1511.41501, ये जो 10 रुपये 11 रुपये की प्राइस रेंज का एरिया है, इसे आप ज़रूर सपोर्ट के तौर पर नोट करके रखें, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की मूवमेंट दिख रही है और निफ्टी में जो रैली हुई है, जो गैप डाउन लगने के बाद भी एक बड़ी तेज़ी देख के उसने सपोर्ट जोन के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो उस लिहाज से अगर ये रैली सस्टेन रहती है तो इंडिगो के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर ये वाली गिरावट में आप देख सकते हैं जो ऊपर से गिरावट हुई थी, एग्जैक्टली यही सपोर्ट लेके लिया था, उसके बाद यहाँ पर भी जो बड़ी गिरावट हुई, इतनी बड़ी जो रेड कैंडल बनी और उसके अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, बट इस सपोर्ट जोन के नीचे में किसी भी दिन क्लोजिंग नहीं हुई और अगेन यहाँ से बड़ा रैली किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से गिरावट हुई, बट अगेन सेम सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से बिग रैली यहाँ से हुई। तो अगेन ये फोर्थ टाइम ऐसा है कि इसी सपोर्ट जोन में आके बार बार प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, तो हो सकता है कि इस बार भी ये जो लेवल है इसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और मार्केट में जो रैली है वो अगर इस तरह से सस्टेन रही तो यहाँ से आपको फिर से एक रैली ज़रूर दिख सकती है। तो आई होप आपने लेवल्स को ज़रूर नोट करके रख लिया होगा, और जब भी कोई भी स्टॉक इस तरह के मेजर लेवल्स पे आते हैं, चाहे वो सपोर्ट जोन पे हो चाहे वो रेजिस्टेंस जोन पे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर देखना पड़ता है कि आप देख सकते हैं कि ये चार दिनों से यहाँ से प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है लोअर लेवल से, और प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से ऊपर जाने की है, बट हम यहाँ से अगर ब्रेक कर जाए उस चीज़ को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन केस अगर ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करते हैं इंडिगो में ये सपोर्ट लेवल्स जो है वो ब्रेक होता है, तो अगर 1501 का लेवल ब्रेक होके नीचे में क्लोजिंग दे दे, तो उस केस में आपको जो इसमें नेक्स्ट जो डाउनफॉल है वो 1391 तक देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी ज़रूर रेडी रहिएगा, लेवल्स के साथ चले, जब तक इन लेवल्स के सपोर्ट जोन के ऊपर है इसमें बिल्कुल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक यहाँ से रिवर्सल की है, और वो हो सकती है जैसा कि इसकी क्लोजिंग हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट अगर इन केस ब्रेक कर दे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर 1501 का लेवल ब्रेक करके नीचे में क्लोज कर दे तो आपको नेक्स्ट जो गिरावट है वो 1391 तक भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए बिल्कुल रेडी रहें और इंडिगो में लेवल्स के साथ चले, लेवल बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये जब जब इन लेवल्स पे आता है प्राइस, वहाँ से चाहे छोटा रैली हो चाहे वो बड़ा रैली हो ज़रूर मिलता है। तो इंट्राडे में तो इन लेवल्स को एज अ बाइंग आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, पिछले चार दिनों से प्रॉफिट दे ही रहा है, और अगर ब्रेक कर दे तो एक फिर से नेक्स्ट बिग फॉल होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़ की है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। केवल प्राइस मूवमेंट को ध्यान दें, प्राइस अगर नीचे ब्रेक कर दे तो बाइंग को अवॉइड करें, या फिर सेलिंग में भी जा सकते हैं, और जब तक इन प्राइस लेवल्स के ऊपर हैं आप बाइंग में ज़रूर रह सकते हैं इंडिगो में। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, और इस तरह के एडवांस में जो लेवल्स है वो हम लगातार अलग अलग स्टॉक में जब भी लेवल्स टेस्ट होने वाले रहते हैं, हुए नहीं रहते होने वाले रहते हैं, तब आपके साथ डिस्कस कर देते हैं पहले से ही, जहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले अभी इस वीडियो में
यहाँ पर आप प्रूफ के लिए देख सकते हैं, IRCTC का हमने 15 तारीख को लेवर शेयर किया था आपसे, और ये वीडियो में आप उसका कट देख सकते हैं, और IRCTC में किस तरह की मूवमेंट हुई वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब IRCTC यहाँ पर था तब हमने नीचे के लेवल आपसे डिस्कस किए थे, और एग्जैक्टली जो हमने सपोर्ट लेवल दिया 1560 के अराउंड का, और इसमें जो लो लगा 1550 का लगा, और वहाँ से लगातार 4 दिनों से कंटिन्यू रैली हो रही है वो आप देख सकते हैं, और इसका जो हाई लग चुका है अब 1717.9 की। तो इस तरह के एडवांस में जो लेवल्स है वो हम टाइमली यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, इसका टाइमली बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।